नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जो हवे आपणो गणित नो प्रकरण 11 छे घड़िया अने भागाकार। तो झूम मीटिंग नी अंदर पण मैं तमने छे ए घड़िया नो रिविजन करावेलु होतु अने ए घड़िया नी अंदर आपणे पेज नंबर 43 अने 44 ने 45 आ त्रणेय ऊपर तमारे घड़िया आधारित चित्रो दोरवाना होय छे, जे मैं पीडीएफ मोकलेली छे, तमे बधाए सरस મજાનો છે એ દોરી લીધેલું હશે। હવે આપણે ઘડિયા ની અંદર છે એમાં સળંગ ઘડિયા લખવાના આવે છે, એટલે બોર્ડ ઉપર સમજાવું છે એ વ્યવસ્થિત નથી, એટલે કે વ્યવસ્થિત આપણે એમાં સમજાવી શકીએ એમ નથી, એટલા માટે તમને સ્વાધ્યાય પોથી ની અંદર પેજ નંબર છે ઈ 46 અને 47 ઉપર જે ઘડિયા આપ્યા છે એ હું તમને સ્વાધ્યાય પોથી ની અંદર સમજાવું છું, એની પીડીએફ મોકલું ત્યારે એ જ રીતના વ્યવસ્થિત બધાય સરસ મજાનું છે એ લખી લેવાનું રહેશે। जो आपणे आ स्वाध्याय पोथीनी अंदर मैं तमने चित्रो छे एनी पीडीएफ मोकलेली हती, एज रीतना बधाए छे ए चित्र दोरवाना छे। अने जो आपणो प्रश्न छे ई त्रीजो घड़िया बनावो एना आधारित तमने अहींया जो एकनो घड़ियो छे आपेलो छे, आखो सळंग एक एक आ एक एक बे बे एवी रीतना घड़ियो छे ए आपेलो छे, एटले के बन्ने संख्यानो छे एक गुणिया बे एटले केटला थाय तो के बे, पछी बे गुणिया बे एटले के बे बे चार, पछी त्रण बे छ, चार बे आठ, एम गुणाकार करी अने एनो जवाब छे ए लखेलो छे। पछी तमने छे ए पांचनो घड़ियो आपेलो छे, तो के पांच एका पांच, पांच बे दस, पांच त्रण पंदर, पांच चार वीस, पांच पांच पच्चीस, पांच छ त्रीस, एवी रीतना तमने दस सुधी छे ए घड़िया छे ए आपेला छे। पछी ईज रीतना सातनो घड़ियो छे ए आपेलो छे, ई तमने बधाने छे ए उदाहरण मुजब छे ए आपेलू छे। पछी अहींया छे ई त्रण अने चारना घड़ियानी मददथी सातनो घड़ियो लखो, तो शुं करवानुं छे, पहेला बधाए छे ए चारनो घड़ियो छे ए लखी लेवानो छे आखो, तो के जो चार एका चार, चार बे आठ, चार त्रण बार, चार चार सोळ, चार पांच वीस, चार छ चौबीस, चार सात अठयावीस, चार आठ बत्रीस, चार नौ छत्रीस, पेला सळंग छे ए आखो चारनो घड़ियो छे ए लखी लेवानो। पछी छे त्रणनो घड़ियो, तो के त्रण एका त्रण, त्रण बे छ, त्रण त्रण नौ, त्रण चार बार, त्रण पांच पंदर, त्रण छ अठार, त्रण सात एकवीस, त्रण आठ चौबीस ने त्रण नौ सत्यावीस, एवी ज रीतना पछी अहींया छे ए सातनो घड़ियो, डायरेक्ट सीधो जवाब छे सातना घड़ियानी अंदर तमारे लखवानो, तो के सात एका सात, सात दू चौद, सात त्रण एकवीस, सात चार अठयावीस, सात पांच पांत्रीस, सात छ बेतालीस, सात सात ओगणपचास, सात आठ छप्पन, सात नौ त्रेसठ, सात दस सीतेर, आ रीतना सातनो घड़ियो पण तमारे लखी लेवानो छे। पछी अहींया छे के पांच अने सातना घड़ियानी मददथी बारनो घड़ियो बनावो, तो पहेला सळंग तमारे छे ई पांचनो घड़ियो अहींया छे ए लखी लेवानो, पछी छे ई सातनो घड़ियो छे तमारे लखवानो छे, आगे आपणे अगाउ जेम कर्युं ई ज रीतना, अने पछी छे आखो शुं करवानो छे, तो के बारनो घड़ियो छे ए लखवानो छे। पछी प्रश्न चारनी अंदर छ आठना घड़ियानी मददथी चौदनो घड़ियो बनावो, अने जो तमे बारनो घड़ियो बनावो तो तमारे शुं करवानुं, तो के अहींया तमने जे जवाब आप्यो छे सात अने पांच, ए बन्नेनो सरवाळो करो एटले के बार, पछी चौद अने दसनो सरवाळो करो एटले चौवीस, बारनो घड़ियो कई रीतना बनावो ई ज रीतना, पछी के एकवीस प्लस पंदर तो के छत्रीस, अठयावीस प्लस वीस एटले के अड़तालीस, ई रीतना जे जवाब छे एनो सरवाळो करी अने नीचे तमारे मूकतो जवानो छे। जो अहींया छनो घड़ियो आप्यो छे आखो तमने, छ एका छ, छ दू बार, छ तेरी अठार, छ चार चौबीस, छ पांत्रीस, छ छ छत्रीस, छ सात बेतालीस, छ आठ अड़तालीस, छ नौ चौपन ने छ दस साठ, पछी शू छे, तो कि आठ एक आठ, आठ दू सोळ, आठ त्रण चौबीस, आठ चार बत्रीस, आठ पांच आठ छ अड़तालीस, आठ सात छप्पन, आठ आठ चौसठ, आठ नौ बोतेर ने आठ दस એસી। હવે ચૌદના ઘડિયાની અંદર છે એ તમારે શું કરવાનું, તો કે છ અને આઠનો છે શું કરવાનો, તો કે સરવાળો, એ આ રીતના તમારે છે અહીંયા લખી લેખવાનું કે છ પ્લસ આઠ, તો કે આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ને ચૌદ, એટલે ચૌદનો ઘડિયો તમારે બની જશે। પછી બાર અને સોળનો સરવાળો, તો કે બાર પ્લસ સોળ, છ સાત ને આઠ અને બે, ચૌદ દુ અઠયાવીસ, આ રીતના આખો સળંગ છે તમારે ઘડિયો લખી લેવાનો છે। પછી અઢાર પ્લસ ચોવીસ, અઢાર પ્લસ ચોવીસ,
પછી 24+32 નાના અક્ષર કરશો એટલે સમય જશે. 30+40 36+48 42+56 48+64 54+72 અને 60+80. હવે છે અહીંયા 14+28 આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે કેટલા આવશે, તો કે 42. પછી છે આ બંનેનો સરવાળો એટલે કે 56. પછી 70. પછી 84. પછી 98. પછી 112. પછી 126. અને છેલ્લે આવશે 140. તો આ રીતના આખો 14 ઘડિયો છે બધાએ લખી લેવાનો છે. એ જ રીતના છે ઘડિયો 9 લખવાનો અને ઘડિયો છે એ 4 લખવાનો. તો હું તમને આ પેજ નંબર 46 અને 47ની PDF મોકલીશ. એ પ્રમાણે જેમ મેં લખેલું છે એવી જ રીતના બધાએ સરસ લખી લેવાનું છે. થેન્ક યુ.